Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the table I am going to do a DIY. So इसके लिए हमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है. आप एक box use कर सकते हैं और हाँ, सबसे important एक मोटा कांच होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे थर्माकोल यूज़ करने वाली हूँ. फ्रिज जो मेरे घर पे आया था उसके कुछ पैकिंग के थर्माकोल पड़े हुए थे. जी हाँ, ये रहे. तो ये दो तरह के थे तो मैंने यहाँ पे इनको यूज़ किया है. मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ कि ये एक्चुअली एक बॉक्स नहीं है, ये अलग अलग है. तो मैंने यही यूज़ किया है DIY के लिए एंड दिस टर्न आउट सो ब्यूटिफुल. एज यू कैन सी दिस इज़ अ टू पीस. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इन दोनों पीस को जॉइंट, तो हम एक बॉक्स टाइप का बना सकें. सबसे पहले मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया है जो कि मेरा बेस है, कि मुझे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए. मैंने एक बार कांच जो है हमारा ऊपर का, उसको इसके ऊपर रख के देख लिया है कि स्टेबल रहेगा कि नहीं, कोई इशू तो नहीं आएगा, ये इसे संभाल सकता है कि नहीं. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार रफली करके देख लें, उसके बाद प्लान आउट करें कि आगे आपको क्या करना है. तो थर्माकोल को मैं जॉइंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल, और उसके साथ साथ जो हमारा टूथपिक होता है वो भी मैं लगाने वाली हूँ, ताकि ये जो दो पार्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से जॉइंट हो जाए और ये हिले ना और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे. हम यहाँ टेप भी यूज़ कर सकते थे लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा. सो ये अब पूरा प्रिपेयर है विद द फेविकॉल एंड जो हमने टूथपिक लगाए हुए हैं बीच बीच पे इसको सपोर्ट देने के लिए. फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया ये जो वुडन वॉलपेपर है, ये पीवीसी वॉलपेपर है. हालांकि ये काफ़ी थोड़ा सा मुड़ा टाइप का आया था, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिटर्न तो हो नहीं सकता. तो ये मुझे पड़ा था 300 रुपये का. तो ये आपको लेना है, आप किसी शॉप से जाके ले सकते हो, पर मुझे ये फ्लिपकार्ट में मिल गया था. पर हाँ, जब मैंने इसको खोला, मतलब इसके स्टिक को, तो ये काफ़ी ठीक था. मतलब इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था जितना ये अभी लग रहा है. सो मैं तो चलो इसको वर्कआउट करते हैं. सो ये बहुत ही सुंदर डार्क ब्राउन कलर है. सो आपको करना क्या है, जो मैंने किया, मैंने यहाँ पे पीसेस काटे हैं 4, जो कि हर साइड से लग सके. सो लकीली जो मेरा स्क्वायर है वो एक्चुअली प्रॉपर स्क्वायर था, तो चारों तरफ एक ही तरह के पीसेस लगे. तो मैंने चारों तरफ से इसे कवर किया है पीवीसी वॉलपेपर स्टिकर से, और उसके ऊपर भी मैंने अच्छे से इसे जॉइन किया. सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक आफ्टर द रिजल्ट एंड इट्स टर्न आउट सो ब्यूटिफुल. लग रहा है कि जैसे कि वुड हो एंड वुडन की सच में एक स्क्वायर बना दिया हो. और पास से देखो तो हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा समझ में आता है, बट जब हम दूर से देखते हैं या अभी हम देख रहे हैं तो इट्स लुक्स परफेक्टली वुडन टेबल. तो उसके ऊपर मैंने रखा है एक कांच, और बस दैट्स इट. अगर आप चाहें तो इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल ही रखा है, द क्लासिक वुडन टेबल विद द कांच. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.